वेलकम टू माय चैनल बॉम्ब बेश। आज मैं गोंधुराज कातला रेसिपी शेयर करूंगी, जो गरम गरम चावल के साथ बहुत टेस्टी लगता है। अगर आपको मेरा ये डिश अच्छा लगे तो लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। कातला फिश को मैरिनेट करने के लिए गोंधुराज नींबू का रस, हल्दी, नमक, लाल मिर्च पाउडर, इस इंग्रेडिएंट के साथ फिश को मैरिनेट किया, फिर 10-15 मिनट के लिए उसे रख दिया। जो इंग्रेडिएंट्स लिए हैं, अनियन का पेस्ट, अदरक का पेस्ट, पीले और काले सरसों और पोस्तो मिक्स करके पेस्ट, लहसुन का पेस्ट, गोंधुराज नींबू के स्लाइस काट लिए, 4-5 पत्ते गोंधुराज नींबू के और हरी मिर्च। सरसों के तेल को गरम करके एक एक फिश को अच्छे से फ्राई किया मीडियम फ्लेम पे। सारे फिश को अच्छे से फ्राई करने के बाद उसी गरम तेल में साबुत गरम मसाले डालें और अनियन का पेस्ट डाला। उसके बाद उसमें अदरक का पेस्ट और लहसुन का पेस्ट डाल के इसको 10 मिनट तक अच्छे से पकाया। अब इसमें स्वाद अनुसार नमक देंगे, उसके बाद लाल मिर्च पाउडर देने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। जीरा पाउडर डालेंगे, फिर धनिया पाउडर डालेंगे और फिर इसको अच्छे से दोबारा मिक्स करने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी भी डालेंगे ताकि मसाले लग ना जाए। फिर सरसों और पोस्तों का पेस्ट डाल के इसको मिक्स करके थोड़ी देर तक पकाएंगे। गोंधुराज नींबू का जो छिलका है वो फ्लेवर के लिए इस पेस्ट में डालेंगे। फिर थोड़ा सा पानी डाल के उसमें हरी मिर्च और गोंधुराज नींबू के पत्ते डाल के इसको मिक्स करेंगे, कुछ देर तक और पकाएंगे इसको। पकाने के बाद इसमें थोड़ा सा स्वाद अनुसार चीनी और फिर थोड़ा पानी डालेंगे, एक ग्लास। फिर थोड़े ढक के पकाने के बाद इसमें फ्राई किए हुए फिश डाल देंगे। फिश डालने के बाद इसे 10 मिनट तक ढक के पकाएंगे। फिर इसके जब कंप्लीट हो जाने के बाद लास्ट में इसमें गरम मसाला, ऊपर से गरम मसाला डालने के बाद स्लाइस किए हुए गोंधुराज नींबू को डाल देंगे। तैयार है टेस्टी और डिलीशियस गोंधुराज कातला फिश। थैंक यू फॉर वॉचिंग।